Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Sayonara. So let's start the chapter. This descriptive essay is taken from North to the Orient, an account of Charles and Anne Lindbergh's 1931 trip to the Far East in their own plane. When the plane was damaged in China, the Lindbergh traveled by boat to Japan and by train across Japan to the ship that would carry them home. Sayonara records that journey across Japan. बच्चों ये राइटर है, इसमें बता रही है कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे अपने प्लेन से, ठीक है. उनका जो प्लेन था वो क्या हुआ, वो ख़राब हो गया, ठीक है, चाइना में वो ख़राब हो गया. उन्होंने फिर अपने आगे की जर्नी जो है कंटिन्यू की. जापान से वो कहाँ गए, बोट में गए, ठीक है. बोट से फिर वो जापान के थ्रू उन्होंने ट्रेन से ट्रैवल किया, और ट्रेन से ट्रैवल करते हुए वो फिर से जापान में पहुँचे, और फिर उन्होंने वहाँ से बोट ली, शिप ली, अपने घर वापस जाने के लिए, ठीक है. अब वो इस बीच उन्होंने एक वर्ड था सयोनारा, वो उन्होंने बहुत बार सुना, तो उन्होंने यही इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि वो इस वर्ड के बारे में क्या सोचती है. तो चलिए शुरू करते हैं. सयोनारा सयोनारा. आई वॉज इन माई स्टेट रूम बट आई कुड हियर देम आउटसाइड ऑन द डेक ऑफ द जैपनीज बोट कॉलिंग टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द डॉक एट शंघाई. सयोनारा अप एंड डाउन द गैंग प्लैंक एंड ओवर द रेल्स. A boatload of Japanese was leaving China for home as we were. Sayonara, the chains clanged and the warning whistle shook the boat. The voice outside rose in a flurry of noise like a flock of frightened birds. But above the conglomerate sound there was always one voice, clean and sharp and individual and yet representative of the mass like that one face in the front line that holds the meaning of the whole crowd on cry. Sayonara. The impression was intensified perhaps because it was the one word of Japanese I understood. सयोनारा. अब जो लेडी है वो जैपनीज भाषा तो नहीं समझती, ठीक है. अब वो वहाँ रह रही है, वहाँ पर ट्रैवल कर रही है, तो उसको वहाँ से अपने देश जाना है, तो वो एक बोट पे बैठी हुई है, ठीक है. अब वो बोट पे बैठी हुई है तो फिर वो बाकी लोगों की उसको आवाज़ें आ रही हैं कि लोग अपने जो नियर वन है उनको छोड़ने आए हैं. जैसे आप लोग जाते हो ना स्टेशन पे, तो आप क्या बोलते हो, उनको गुड बाय बोलते हो, ठीक है. और फिर वहाँ आप वहाँ से चले जाते हो उनको छोड़ करके. तो वैसे लोग जो है गुड बाय बोलने के लिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को वहाँ पे छोड़ने के लिए आए हैं, तो उसको एक ही आवाज़ सुनाई देती है, सयोनारा सयोनारा, ठीक है. अब सयोनारा वो अपने दोस्तों को कह रहे हैं, सयोनारा मतलब वो आप अपना ध्यान रखना, ये करना वो करना, तो उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही होती है. तो उसको एक जैपनीज वर्ड समझ में आया, वो ये बताती है. इतनी सारी जैपनीज लैंग्वेज में, अब वो सारे के सारे अपने भाषा में बात कर रहे होते हैं, जैपनीज भाषा में बात कर रहे होते हैं, तो वो कहती है मुझे सारी जैपनीज भाषा में एक ही वर्ड समझ में आया जो था सयोनारा. आई वॉज टू हियर इट अगेन ऑल अलॉन्ग आवर ट्रिप होम फॉर वी क्रॉस जापान बाय ट्रेन फ्रॉम द साउदर्न टिप टू योकोहामा वेयर वी बोर्डेड द बोट फॉर अमेरिका, ठीक है. वो बताती है ये जो वर्ड है सयोनारा, ये उसे सारी जो उसकी जर्नी थी उसमें सुनने में मिला. अब वो ये बताती कि वो ट्रैवल कर रही थी किससे, ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, ठीक है. उसमें बताती कि ये वर्ड उसको बार बार सुनने को मिला. सयोनारा द क्लैटर ऑफ वुडन क्लॉग्स अलोंग द स्टेशन प्लेटफॉर्म द फ्लटर ऑफ किमोनोज बेबीज जॉगिंग ऑन देयर मदर्स बैक मैन कैरिंग फोर और फाइव स्मॉल बंडल्स टाइड अप इन different colored firoseki squares of party colored silk or cotton old women knocking along with their sticks their brown faces hidden under enormous roof like hats of straw a man shouting his wares we leaned out of the window at one of these stations and motioned to a vendor for some tea he poured out of his big tin into a little brown clay teapot like a child's toy with a saucer for a lid and an inverted cup on top. Two, two, we shouted and signaled as the train jerked forward, starting to pull out. The vendor ran after us with another teapot, swinging from its wire handle and pushed it in our window.
ठीक है, वो बताती है हम ट्रेन के कोच में बैठे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी उसको हर कोई जो बोल रहा है उसमें उसको सिर्फ सयोनारा वर्ड ही समझ में आ रहा है, उसको वही वर्ड सुनाई दे रहा है, चाहे कोई किसी को छोड़ने आया है, चाहे कोई अपने बैग पे अपने बच्चों को लेकर के वहाँ भाग रहा है, चाहे किसी ने एक ड्रेस होती है उनकी किमोनो, वो ड्रेस जापानीज ड्रेस होती है वो पहन के वहाँ घूम रहा है, ठीक है, कई लोगों के हाथ में फिरोज की एक पोटली होती है जिसको वो लोग क्या कहते हैं फिरोज की कहते हैं, वो हाथ में लिए घूम रहे हैं, तो वो देखती है जो भी इंसान इधर से उधर जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो सयोनारा बोलता हुआ ये वर्ड बोलता हुआ वहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब वो अपने विंडो से बाहर झाँकती है और वो एक आदमी को, एक वेंडर होता है वहाँ पे चाय वाला होता है, उसको कहती है भाई मुझे चाय दो, ठीक है। अब वो उनके पास चाय लेके आता है, उनको एक छोटे से कप में चाय देता है, इतने में जो ट्रेन की होती है विसल वो बज जाती है, ट्रेन आवाज़ देती है भाई चलने का टाइम हो गया। अब वो बोलती है कि हमें एक नहीं हमें दो चाहिए, क्योंकि वो दो लोग होते हैं, एक वाइफ होती है उसका हस्बैंड होता है, राइटर अपने हस्बैंड के साथ जा रही होती है ना, तो वो बोलती है भाई हम एक नहीं हम दो लोग हैं हमें एक और कप दो, फिर वो भाग के जाता है, भाग के वो उनको कप देता है और फिर उनको उनसे क्या लेता है पैसा लेता है, इतने में ट्रेन जो है चल पड़ती है। सयोनारा सयोनारा क्राइड द पैसेंजर्स हु हैड जस्ट स्टेप्ड ऑन बोर्ड, अ जैपनीज फैमिली अक्रॉस द एसले फ्रॉम अस लीन्ड आउट ऑफ द विंडो टू से अ फ्यू लास्ट वर्ड्स, दे ऑक्यूपाइड टू लॉन्ग सीट्स रेज्ड ऑन अ स्लाइट प्लेटफॉर्म सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट फैमिली बाय अ पार्टीशन, द मदर एंड नर्स और ओल्डर सिस्टर वर ड्रेस्ड इन जैपनीज किमोनोज, द फादर इन अ वेस्टर्न बिजनेस सूट, द टू लिटिल गर्ल्स इन ग्रीन चालेज सूट विद आयरिश लेस कॉलर्स एंड द बेबी इन वूलन्स, द गर्ल हैड ऑलरेडी किक्ड ऑफ देयर शूज इन जैपनीज फैशन एंड वर स्क्वैटिंग ऑन देयर फीट ऑन द ब्लू प्लस सीट्स, दे हेल्ड द बेबी अप to the window for the last goodbye sayonara and then the monotonous doggerel rhythm of the train quickening to a roar drowned all noise we were off, ठीक है। अब वो बताती है फिर से उसको आवाज़ आती है सयोनारा सयोनारा, अब ये कौन बोल रहा होता है, ये कुछ एक जापानीज फैमिली होती है वो ट्रेन में चढ़ती है, ठीक है, उनको जो लोग छोड़ने आए होते हैं उनको बोलती है, ठीक है, वहाँ पे बताती है उनके कोच में उन्होंने एक लंबी सी सीट अपने लिए वो कर रखी थी, बुक कर रखी थी, वहाँ पे वो बैठते हैं, ठीक है, उनके साथ लेडीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, एक छोटा सा बेबी भी होता है, उन्होंने फिर वो बताते हैं उन्होंने अपनी अपनी ड्रेस पहन रखी है, अपनी जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना वो उन्होंने पहन रखी है, ठीक है। अब वो बताती है लड़की होती है उसमें से वो क्या करती है, विंडो से बाहर जा करके क्या बोलती है, गुड बाय बोलती है, फिर वो अपने चप्पल जो अपने जो जूते होते हैं वो फेंक करके वहाँ पे सीट के ऊपर पैर पे पैर रख कर बैठ जाती है, फिर उनकी ट्रेन जो होती है वो चल पड़ती है। इट वॉज गुड बाय फॉर अस टू एज वी रश्ड थ्रू जापान ऑन आर वे टू द बोट, गुड बाय टू द राइस फील्ड्स टेरेस अप अ नैरो गली इन द हिल्स, टू थैच्ड रूफ एंड पेपर वॉल्स, टू हैवी हेडेड ग्रेन बट टू अ कर्व टू अ फील्ड ऑफ ऑकवर्ड लोटस लीव्स लाइक बिग एलिफेंट ईयर्स फ्लैपिंग ऑन देयर टॉल स्टॉक्स, टू अ वाइट रोड लीडिंग अप अ हिल टू अ पाइन ग्रोव एंड द फ्लिकर ऑफ रेड ऑफ अ श्राइन गेट, गुड बाय टू द लिटिल टाउन्स वी रैटल थ्रू विद देयर नैरो कॉबल्ड स्ट्रीट्स लाइन विद शॉप्स ओपन टू द पैसर्स बाय एक्सेप्ट फॉर फ्लटरिंग ब्लू टवलिंग कर्टेन्स और ब्राइट पेपर एंड क्लोथ फ्लैग साइंस, गुड बाय टू ब्लू पेपर अम्ब्रेला इन द रेन एंड लिटिल बॉय चेजिंग ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। अब वो बताते हैं कि भाई हमारी जो ट्रेन की जर्नी थी वो क्या हुई, ख़त्म हुई, अब हम आगे कैसे जाएंगे, अब हम बोट से जाएंगे, तो वो बताते हैं कि भाई सयोनारा वो लोग बोल रहे हैं सयोनारा भाई हमारी तरफ से भी गुड बाय, सारी राइस फील्ड को भी वो क्या कह रहे होते हैं गुड बाय, मतलब रास्ते में जो भी चीज़ें आती है ना वो सबको क्या बोलते हैं गुड बाय बोल रहे होते हैं, ठीक है भाई। उन्होंने जो जो चीज़ देखी थी, उन्होंने पेपर वॉल देखा था, उन्होंने क्या देखे थे हिल्स देखी थी और जितने भी उन्होंने खेत देखे थे वो उनको क्या बोल रहे होते हैं गुड बाय बोल रहे होते हैं अपनी तरफ से भी कि भाई अब हम तुम्हें दोबारा शायद ना देख पाए, अब हम क्योंकि कहाँ जा रहे हैं अपनी कंट्री वापस जा रहे हैं, तो भाई हमारी तरफ से भी तुमको क्या गुड बाय, ठीक है। अब वो कुछ चीज़ें होती हैं उनको वो गुड बाय नहीं कहती, भाई इन चीज़ों को तो गुड बाय मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो कहती है भाई ये चीज़ तो मेरी कंट्री में भी मिलती है या मैं इन चीज़ों को अपनी कंट्री में भी देखती हूँ, तो इन चीज़ों को मैं क्या कह रही हूँ गुड बाय नहीं कह रही हूँ। फिर लास्ट में गुड बाय कहती है एक छोटे से बच्चे को जो ड्रैगन फ्लाई को फॉलो कर रहा होता है, उसको चेज कर रहा होता है। आवर रियल गुड बाय वॉज नॉट अंटिल द बोट पुल्ड आउट
of the dock at Yokohama when the crowd of Japanese leaning over the rails of the decks shot twirling strands of serpentine across to those they had left behind on shore. A rain of bright fireworks, one end of these colored paper ribbons was held in the hand of those on deck, the other by those on shore, until a brilliant multicolored web was spun between the ship and the shores. This and the shouts of conversation unintelligible to me, interlacing back and forth across the gap, made up a finely woven band, a tissue intricately patterned and rich in texture, which held together for a few more seconds those remaining and those departing. Then the gap of water slowly widening between dock and ship. The ribbons twined and snapped, the broken and reveled ends twirling off idly into the water, floating away with the unfinished end of sentences, and nothing could bridge the gap but sayonara. ठीक है, अब वो बताती है कि भाई हम गुड बाय तो कर रहे हैं, लेकिन अब भाई हमारा फाइनल गुड बाय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो अपनी कंट्री नहीं पहुंचे. अभी वो कहाँ पहुंचे? अभी वो शिप में पहुंचे हैं. पहले उन्होंने बोट से ट्रैवल किया, फिर वो ट्रेन से गए, फिर ट्रेन से वो कहाँ गए, अब शिप पे जा रहे हैं. अब शिप उनको उनकी कंट्री में पहुंचाएगी. तो कहती है अभी हमारा फाइनल गुड बाय नहीं हुआ, अभी हमें गुड बाय और कहना बाकी है. और फिर वो डिस्कस कर रही होती है कि वहाँ पे भी लोग क्या थे, वो अपने नियर वन को वहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे, जो लोग शिप पे चढ़े थे, जो लोग शिप से ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो उनको वहाँ क्या करने थे, उनको सी ऑफ करने आए थे. तो वो भी आपस में बातें कर रहे थे. ठीक है, जब तक शिप उनकी निकल नहीं गई तब तक वो क्या करते, आपस में बातें करते. अब उस राइटर को उनकी बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कैसे बोल रहे थे, वो तो जापानीज में बोल रहे थे, तो उनकी भाषा उनको सही नहीं समझ में आ रही थी. लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, ये अपने आपस में बातें करना है कि भाई अपना ध्यान रखना, अपनी केयर करना, वहाँ जाके अपना ध्यान रखना, फ़ोन करते रहना. तो वो जस्ट अपने इमेजिन कर रही थी कि वो ऐसी ऐसी बातें आपस में कर रहे होते हैं. फिर सडनली शिप की आवाज़ आती है, पर शिप भी आवाज़ करती, विसल करती है, और वो क्या होती है, वो भी अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाती है. और फिर उसको वही वॉइस सुनाई देती है, वो वर्ड सुनाई देता है, जो क्या होता है, सयोनारा, मतलब गुड बाय. वो आपस में क्या कह रहे होते हैं, वो एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं. फॉर सयोनारा लिटरली ट्रांसलेटेड, सिंस इट मस्ट बी सो, ऑफ ऑल द गुड बायज आई हैव हर्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, अनलाइक द ऑफ Widowshan and of rivers, it does not try to cheat itself by any bravado till we meet again, and sedative to postpone the pain of separation. It does not evade the issue like the sturdy blinking farewell. Farewell is a father's goodbye. It is go out in the world and do well, my son. It is encouragement and admonitions. It is hope and faith, but it passes over the significance of the moment of parting. It says nothing. It hides its emotions. It says too little. While goodbye, God be with you, and adios says too much. They try to bridge the distance, almost to deny it. Goodbye is a prayer, a ringing cry. You must not go. I cannot bear to have you go, but you shall not go alone, unwatched. God will be with you. God's hand will be over you and even underneath hidden, but it is there, incorrigible. I will be with you. I will watch you always. It is a mother's goodbye, but sayonara says neither too much nor too little. It is a simple acceptance of fact. All understanding of life lies in its limits. All emotions smoldering is banked up behind it, but it says nothing. It is really the unspoken goodbye, the pressure of a hand, sayonara. ठीक है, वो राइटर जो है वो बता रही है कि सयोनारा एक वर्ड है, एक इमोशन है. ठीक है, गुड बाय आप कहते हो किस लिए कहते हो, कि भाई आप एक तरह से क्या कर रहे होते हैं, फेयरवेल दे रहे होते हैं जाने वाले को, आप कहते हो ठीक है गुड बाय, अपना क्या रखना, ध्यान रखना. एक फादर अपने बेटे को गुड बाय कहता है, तो वो क्या करता है, भाई अपनी स्टडीज में ध्यान देना, और हमें क्या करते रहना, लेटर लिखते रहना, और जल्दी हमसे मिलने दोबारा आना. ठीक है, तो एक तरह का इमोशन उसने बताया, कि जैसे हम लोग इंग्लिश में
अब जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है गॉड बी विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे हर जगह जहाँ तुम जा रहे हो या जहाँ तुम रहने वाले हो आगे हमसे बिछड़ के, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो एक तरह से वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, अपनी विश जाहिर कर रहे होते हैं कि भाई जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पे गॉड तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी क्या करे, रक्षा करे। ठीक है, ऐसी एक मदर भी होती है जब वो अपने बेटे से बिछड़ रही होती है, उसे बाय कह रही होती है, तो वो भी क्या कहती है कि भाई अपना ध्यान रखना, अब मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो हमेशा तुम्हारे साथ गॉड रहे और गॉड के ही मतलब अंदर तुम अपना देखभाल करना। तो वो चीज़ वो राइटर बताती है कि ये बहुत ही सुंदर वर्ड है, जापानीज लोग जो है वो सयोनारा, मतलब वो सयोनारा कह के अपने जो उनके नियर वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, अपने प्रियजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सयोनारा कह के गुड बाय बोलते हैं। तो ये उनका एक इमोशन है जो उसको वो कह करके दर्शाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।